कप्तान का एक और नया वार, नवाज शरीफ को बड़ा धचका लग गया, तमाम हकायक कौम के सामने। बानी पीटीआई इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलें। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले उनके टिकट तब्दील कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। इमरान खान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला। वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि उसे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। साइफर ट्रायल को सीक्रेट रखना चाहते थे। 3 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई और इससे बड़ी साजिश क्या है। बानी पीटीआई ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कहा गया। साइफर के बाद हमारे मेंबरान टूटना शुरू हुए। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हुकानी को हायर किया, हमें उसका इल्म तक नहीं था। हुसैन हुकानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हुकानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान खान अमरीका मुखालफ जबकि बाजवा अमरीका के हक में है। मेरा और नवाज शरीफ का मामला अलग है। नवाज शरीफ और मरियम नाअहल हुए थे जबकि शहबाज शरीफ को बाजवा की मुकम्मल हमायत हासिल थी।